नाबालिका को दुष्कर्म परे निर्मम भावे हत्या करिला दुर्बृत्त परे नदी गर्भरु मिलिला मृतदेह तेबे घटना एबे समस्तंकु विचलित करिछि। सूचना रहिछि फोन रिचार्ज करिबाकु जाइथिबा बेले 16 वर्षीय नाबालिका को दुष्कर्म परे हत्या करा जाइछि। एहा परे ता मृतदेह को नदी रे फिंगि दिया जाइछि। आसाम पुलिस मृतदेह को नदी रु उद्धार करिबा परे पूरा घटना एबे सामना को आसिछि। तेबे आसाम रो कामरूप जिला रे एही घटना देखिबाकु मिलिछि। गत सोमवार अष्टम श्रेणी रे पाठ पढ़ुतिबा 16 वर्षीय छात्री जनक मोबाइल रे रिचार्ज करिबाकु जाइथिले, हेले सेठारु आउ घर को फेरनथिले। परिवार लोके अनेक खोजाखोजि करिबा परे पुलिस रे अभियोग करथिले। तबे पुलिस मध्य सोमवार ठारु छात्री को ठाब करिबाकु चेष्टा करथिले, हे कोनोसी सुफल पाइनथिले। तबे शुक्रवार सोनापुर ठारे थिबा दीघा नदी रु निको छात्री कर मृतदेह मिलथिला। शव व्यवच्छेद परे छात्री को दुष्कर्म करा परे तंटी चिपी हत्या करा जायतिबा जाना पड़थिला। एहा परे मृतदेह को नदी रे फिंगि दिए जायतिबा स्पष्ट होइथिला। तेबे खबर सामना को आसीबा परे छात्री को परिवार और स्थानीय लोक माने सोनापुर पुलिस स्टेशन नाकरे विक्षोभ आरंभ कर दैथिले। दोषी विरोध रे उपयुक्त कार्यानुष्ठान सह ताकु फांसी देबा को दाबी करथिले। लोकंक आक्रोश बढ़ुथिबारु पुलिस बेस गुरुत्वर सह घटनार तदंत आरंभ करथिला। शेषे रविवार पुलिस जणे ऑटो चालक को गिरफ्त करथिला। जेरा बेले से निजर अपराध को स्वीकार करिबा पुलिस कहिछि। तबे से कोन पई एमिति कांड घटैला से कथा आइ जाय स्पष्ट होइ नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।